at Surat Airport. You can see this is Agra. You can see these MLAs running and going inside the app party. You can see Goa Police, CISF is giving full protection. They are being taken by Gujarat Police. You can see the way these MLAs are being taken by the जैसे एक ना शिंदे विल टेल बट दे हैव द मेजॉरिटी सो दीस आर द विजुअल्स सर आपका नाम बताइए पुरनाथ शिंदे स्टैंडिंग इन द सेंटर स्माइलिंग एंड दे आर सेइंग दैट दे आर द मेजॉरिटी द सीन्स ऑफ दीस एमएलएस बीइंग रेस्क्यू अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है क्या धोखा फरेब को ही चाणक्य नीति कहा जाता है महाराष्ट्र में जिस तरह की तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं इससे साफ जाहिर होता है कि कैसे भाजपा संघ की विचारधारा के लोग संविधान आईने हिंद की धज्जियां उड़ा रहे कोई लोकतांत्रिक अहमियत अब भारत में नहीं रही महाराष्ट्र में ढाई साल पहले भी इसी तरह का नाटक देखा गया था फिर कर्नाटक का नाटक तो काफी मशहूर रहा कई सारी मिसालें दी जा सकती है कि भाजपा और संघी विचारधारा के लोग तमाम उसूलों को पामाल करते हुए गुंडागर्दी की बुनियाद पर हुकूमत बनाना चाहते हैं आज गुजरात हवाई अड्डे पर एकनाथ शिंदे हिमायतों को घसीटते हुए हवाई जहाज में बिठाकर गुवाहाटी के होटल में एक तरह से अगवा कर ले जाया जा रहा है मतलब जहां भाजपा जीत नहीं सकती है वहां पर इस तरह जोर जबरदस्ती से हुकूमत बनाने की कोशिश करती है और अगर चुनाव में जीत नहीं पाते तो यहां की हुकूमत फिर जो भी हो भले केजरीवाल की दिल्ली हुकूमत या फिर ममता बनर्जी की बंगाल की हुकूमत या फिर मौजूदा महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की शिवसेना और तमाम के पीछे आपको भाजपा ही नजर आती है ताकि सवाल उठता है कि क्या इस तरह धोखा फरेब जोर जबरदस्ती को चाणक्य नीति कहा जाता है अगर आवाम किसी पार्टी को अपना वोट देती है तो उस पार्टी की सोच और फिक्र यानी विचारधारा को वोट देती है लेकिन मरकज में बैठी मोदी हुकूमत और अमित शाह जो अपने आप को चाणक्य कहलवाने में फख्र महसूस करते हैं गैर संवैधानिक तरीके से हुकूमतों को गिराकर अपनी हुकूमत बना ली जाती है अगर कोई इनकी बात से इत्तफाक नहीं रखता तो इसके पीछे सरकारी एजेंसियों को लगाकर जीना मुश्किल कर दिया जाता है आज महाराष्ट्र में भाजपा के खिलाफ आवाम का गुस्सा देखा जा रहा है उधर एकनाथ शिंदे जो कभी शिवसेना के खास हुआ करते थे आज महाराष्ट्र में भाजपा के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की बात कर रहे हैं इनका कहना यह है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना हिंदुत्व से हट गई है लिहाजा असल शिवसेना ही एकनाथ शिंदे की है कहने से भी नहीं चूक रहे हो सकता है कि यहाँ भी ऑपरेशन कमल करने में कामयाब हो जाए यहाँ भी भाजपा की हुकूमत बन सकती है पर क्या ये जो भी हो रहा है सही हो रहा है क्या इनके लिए कोई कानून न्याय व्यवस्था इस मुल्क में नहीं रही और सबसे बड़ा धोखा तो आवाम के साथ किया जा रहा है जिसे वोट देकर आवाम अपनी बुनियादी जरूरतों बुनियादी मसाइल को हल करते हुकूमतों को देखना चाहती है वह कोई भी किसी भी पार्टी में चला जाता है मैं इख्तदार के हवस में इसे क्या वाकई संविधान की तौहीन न कहा जाए तो और क्या इन पर इस मुल्क के आईन की तौहीन के चलते कार्रवाई न की जाए जब से भाजपा हुकूमत आई है तमाम ताना बाना ही बिगड़ता जा रहा है अदालतें फैसले किसी के दबाव में ले रही है तो इंतजामिया पुलिस भी इन्हीं सियासी लीडरों के दबाव में किसी भी बेगुनाह पर जुल्म करने से नहीं चूकती मतलब अब किस तरह का कोई इंसाफ या अदल नहीं किया जाएगा क्योंकि हुकूमत भाजपा की आई है और ये इस संविधान की मुखालिफत में ही भरोसा रखती है आप शुरू से ही देख लीजिए इन्हें आजादी के बाद से ही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पे कभी भरोसा नहीं रहा ताज्जुब तो इस बात पर भी होता है कि जिस संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की दुहाई देने वाले दलित और दिगर ओबीसी तबके के कायद भी इन्हीं मनुवादी सोचो फिक्र से मुतासिर होते जा रहे हैं महाराष्ट्र का भी देख लीजिए जिस प्रबोधन का ठाकरे की विचारधारा और मराठी मानुष की वकार और बका के लिए कोशा रहने वाली शिवसेना के एकनाथ शिंदे महज इख्तदार के हवस को लेकर अपनी तमाम सोच और फिक्र को पसे पुष्ट डालकर संविधान मुखालिफ और गौर से वादी की तरफदारी करने में लगे इसी तरह से आपने मध्य प्रदेश में भी देखा होगा कि पूरी आवाम का मैंडेट जो है कमलनाथ के साथ था लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां पर भी इख्तदार के हवस में भाजपा से हाथ मिला लिया महाराष्ट्र में बगावत की वजह बजाहिर हिंदुत्व से उद्धव ठाकरे की दूरियां बताई जा रही है लेकिन क्या इसमें कोई हकीकत भी है अगर हिंदुत्व इतना ही अहम था तो फिर कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस हुकूमत को गिराने की क्या वजह थी मतलब अगर आप भाजपा या संघी विचारधारा का साथ नहीं देते तो आपको सीडी मामले में ईडी मामले में फंसा कर आपको इतना मजबूर कर दिया जाएगा कि आप खुद ब खुद इस गिरोह का हिस्सा बन जाएंगे जैसे रमेश जारकीहोली बन गए हैं हुकूमत गिराने का तजर्बा लेकर आप देवेंद्र फडणवीस के यहाँ रमेश जारकीहोली पहुंचे हुए हैं लेकिन भाजपा में किस तरह का बर्ताव रमेश जारकीहोली भाइयों के साथ किया जा रहा है इस पर तबसरा करने की जरूरत नहीं है मध्य प्रदेश गोवा कर्नाटक और महाराष्ट्र को इस जुमरे में लिया जा सकता है
अगर भाजपा से गठबंधन रहेगा तो हुकूमत बचेगी, जैसा बिहार में भी हुआ देख सकते हैं। जब से उद्धव ठाकरे ने भाजपा से दूरी अख्तियार की तब से भाजपा तिलमिला उठी है। अनिल परब, नवाब मलिक और भी दिगर लीडरों को जेल तक भेज दिया गया, यहाँ तक के संजय राउत समेत कईयों के घरों पर ईडी के छापे मारे गए, यहाँ तक राहुल गांधी को बख्शा नहीं गया। कर्नाटक में अभी भी डीके शिवकुमार समेत कई कांग्रेसी लीडरों के घरों पर ईडी के छापे मारकर इनका जीना मुश्किल कर दिया जा रहा है। मतलब कोई विपक्ष किसी तरह से जिंदा ना रहे, और यही हो रहा है। आवाम के लिए आवाम की जानिब से चुनी हुई सरकार हुकूमतों को इस तरह तबाह किया जाता है, और इसे चाणक्य नीति कहा जाए, ये कहां तक सही है? फिर चुनाव किए ही क्यों जाते हैं? और जब कोई लीडर किसी और पार्टी से जीत कर आता है और अपने मुफाद की खातिर ऐसी पार्टी के साथ खड़ा हो जाता है जिनका इस मुल्क के संविधान पर ही भरोसा नहीं, तो आवाम ने जो तपती धूप में खड़े होकर वोट दिया है, इसके वोट के साथ गद्दारी नहीं हुई क्या? क्या दल बदलू नेता का वोट आवाम को वापस देने का भी कोई कानून बनाया जाएगा? वैसे तो अब कानून पर कोई बात करना भी ठीक नहीं लग रहा, जब पुलिस वाले ही भाजपा के कारकुन बनकर शिवसेना के रुकने असेंबलियों को घसीटते हुए हवाई जहाज में बिठा रहे हैं। लोकतंत्र को किस तरह घसीटा जा रहा है, इसका एहसास एक बार जरूर हुआ। ये भी बात काबिले तवज्जो है कि भारत की तारीख में जब से भाजपा हुकूमत आई है और इसी बैकडोर का इस्तेमाल कर इख्तदार तक पहुंचती है, इससे पहले कभी तारीख में नहीं देखा गया। एक और ताज्जुब की बात यह भी है कि किसी भी भाजपा के लीडर या भाजपा को फाइनेंस करने वाली कंपनियों पर सरकारी एजेंसियों की रेड नहीं होती। इसका मतलब किस तरह लोकतंत्र को खोखला और बेबस बनाया जा रहा है। मुल्क के आवाम को चाहिए कि लोकतंत्र को वाकई तकवीत और इसकी अजमत वकार को बचाना है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई जमहूरी दायरे के तहरीरों को महफूज रखना है, तो आवाम को लोकतंत्र विरोधियों की मुखालिफत में फैसले लेने होंगे। यकीनन ये काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी भाजपा या संघ विचारधाराओं के खिलाफ आवाज उठाता है, इन्हें देश विरोधी साबित करने की पूरी कोशिश भाजपा आईटी सेल और प्रचार तंत्र गोदी मीडिया लग जाती है। सीए एनआरसी, शाहीनबाग, किसान आंदोलन और अब हाल ही में अग्निपथ को लेकर जितने भी एहतजाज किए गए, इन पर किस तरह की कार्रवाइयां की गई सभी ने देखा है। अग्निपथ का विरोध करने वालों को फौज में दाखिला नहीं देंगे ऐसा कहते हुए तीनों दलों यानी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के तमाम जिम्मेदारों को मोदी हुकूमत आगे बढ़ाकर अग्निपथ की फजीलत को बयान करने के लिए लगाती है, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। लिहाजा जिन अग्निवीरों ने मुखालफत की थी, जो कि सभी गरीब किसान मजदूरों के घरों से आते हैं, खामोश हो गए। मतलब कैसे आवाज दबाई जाती है। लिहाजा इतना तो जरूर है कि जो भी आवाज भाजपा और संघी विचारधारा के खिलाफ उठेगी उसे दबाया जा रहा है, लेकिन क्या बहुत देर तक इन आवाजों को दबाया जा सकता है? यह सवाल कहीं तो आवाम के जहनों में आना जरूरी है, वरना वैसे भी विपक्ष का खत्म होना लोकतंत्र के खत्म होने के बराबर है, कहने में कोई गलत ना होगा। आज डीसी दफ्तर के सामने गौंडवाड मामले में कत्ल हुए सतीश पाटिल को इंसाफ और कातिलों को फांसी की मांग करते हुए गौंडवाड की खवातीन कसीर तादाद में शरीक रही। इस वक्त मकतूल सतीश पाटिल के अहलिया, वालिदा और घर के लोग भी एहतजाज में शरीक हुए। वाजह रहे, गौंडवाड गांव में पिछले 2 सालों से मंदिर की जगह को लेकर तनाजा था। कुटरे और निलजकर खानदान के कुछ लोगों ने मंदिर की जगह पर गैर कानूनी कब्जा जमाने का इल्जाम लगाया था, जिसके लिए मकतूल सतीश पाटिल मुखालफत भी कर रहा था। ये जमीन देवस्थान कमेटी की है, लिहाजा इस पर गांव वालों का कब्जा रहना चाहिए, ऐसा इनका कहना था। पर 2 दिन पहले महज मंदिर के सामने देवस्थान की जगह पर कार पार्किंग करने को लेकर बहस हुई और बहस खून खराबे में तब्दील हुई। मामला इतना बड़ा बन गया कि सतीश पाटिल का कत्ल तो हुआ ही, लेकिन इसमें पूरा गांव जल उठा। कई गाड़ियां घरों को आग के हवाले किया गया, कई लोग जख्मी हुए। आज बेलगाम पुलिस की जानिब से 3 खवातीन को गौंडवाड तशद्दुद के पस मंजर में गिरफ्तार किया गया। अब तक गिरफ्तार हुए अफरादों की तादाद 10 हो चुकी है और भी लोगों की फहरिस्त है जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। गांव वालों ने नाहक और बेगुनाहों को गिरफ्तार ना करने की मांग की। आइए देखते हैं गौंडवाड़ गांव को आग की लपेटों में लेने वाले मंजर और एहतजाज के कुछ मंजर। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।
ಇಲ್ಲೇ ಸಿದಾ ನಮ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಸಕಡೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗಾಡಿ ಗಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಾರ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿನೂ ಹಚ್ಚತ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಹೋಗೋಣ ಬರ್ತಾನ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡೋಣ हत्या के लिए गाँव लड़त होते वो पर्सनल काय नुकत्या विरोधी लोकानी गाँव देवस्की ट्रस्ट जमीनी स्वतः नावावर करून घेऊन विकल्या प्लॉट पाडले मते गावातल्या लोकांना कळालं सगळ्यांना मते आमची जमीन आमच्या नावावर नाही पण देवाची जमीन देवाला मिळू देत देवाचं सगळं देवाच्याच पैशाने होऊ देत म्हणून माझे मिस्टर लढत होते हो त्या आम्ही काय काढून घेतलो नाही फक्त ती देवाची जमीन तुम्ही देवाच्या देवाच्या नावाने करा असंच फक्त म्हणत होतो आम्ही आणि का असेल ना ते गाव काय ठरवतं ना तेवढा तुम्ही मोबदला त्या जमिनीचा द्या त्या जमिनीचा द्या म्हटले म्हणत एवढ्याच हो काय माझे मिस्टर कधी त्यांना मारा घरा गेले नाही का आम्ही गेलो नाही कधी माझ्या मिस्टरांच्यावरच ते वारंवार हल्ला करत आम्ही सुरक्षित कधीच नव्हतो मी प्रोटेक्शन मागितलेलं त्यांच्याकडे जेव्हा लास्ट टाईम प्रेस कॉन्फरन्स झाली होती आमच्या गावामध्ये म्हटलेलं आम्हाला प्रोटेक्शन द्या माझी लहान लांब बाळ आहेत हो आणि माझ्या मिस्टरांच्यावर परत त्यांनी पाठी मागून वार केले त्याच्यातून ते वाचले नाही तो त्यामुळे मला न्याय पाहिजे आमचं पर्सनल काही नव्हतं याच्यात गावचं होतं सगळं गावचं होतं त्यामुळे न्याय द्या माझ्या मिस्टरांना आम्हाला